नमस्कार दोस्तों, 1 जुलाई 2021 से इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक सेक्शन 206 ए भी जोड़ दिया गया। उसका प्रभाव इस तरीके से आएगा दोस्तों कि अगर आपने पिछले 2 साल में रिटर्न नहीं भरी तो डबल टैक्स की रेट से, यानी टीडीएस की रेट से डबल रेट, जो आपके केस में नॉर्मली एप्लीकेबल होती है रेट, उससे डबल रेट अथवा 5% की रेट, विच एवर इज हायर, उस रेट पर टीडीएस कटना शुरू हो जाएगा। बेसिकली इस तरीके के प्रावधान का पर्पज है ऐसे व्यक्तियों को टैक्स के नेट में लाना या रिटर्न भरने के लिए सॉर्ट ऑफ मजबूर करना, जिनका टीडीएस तो कटता है पर वो अपनी रिटर्न नहीं भरते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के थ्रू आपके सामने सेक्शन 206 ए बी के प्रावधान का एक एनालिसिस रखने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों, आपके सामने कवरेज, आज की इस वीडियो में मुख्य प्रश्न क्या है जिनका हम उत्तर जानने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज द की प्रोविजन, ये प्रावधान क्या है 206 एबी का, आपके सामने रखता हूं। हु इज अ स्पेसिफाइड पर्सन, ये प्रावधान स्पेसिफाइड पर्सन के लिए लागू होते हैं, स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, व्हाट काइंड ऑफ पेमेंट्स आर कवर्ड अंडर सेक्शन 206 एबी, ऐसे कौन से नेचर ऑफ पेमेंट है जिन पर ये सेक्शन के प्रावधान लागू होंगे, हाउ टू फाइंड आउट लास्ट 2 ईयर्स आईटीआर स्टेटस, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही है कि जो व्यक्ति टीडीएस काटने के लिए लाइबल है उसको पता कैसे चलेगा कि जिस व्यक्ति का टीडीएस काटना है यानी पे, उस व्यक्ति ने पिछले 2 साल में रिटर्न भरी ही नहीं। ऐसे ही दोस्तों, एक सेक्शन पहले से 206 डबल ए चल रहा था, उसको 206 एबी के साथ में कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। व्हाट अबाउट पर्सन सबमिटिंग फॉर्म 15G 15H, बहुत सारे सीनियर सिटीजन 15G 15H सबमिट करके निश्चिंत हो जाते हैं कि अब मुझे रिटर्न भरने की आवश्यकता ही नहीं है, तो नेचुरली उन्होंने तो पिछले 2 साल में रिटर्न भरी ही नहीं होगी, उन पर इस नए सेक्शन का क्या प्रभाव होगा दोस्तों। वेदर नॉन रेजिडेंट्स आर ऑल्सो कवर्ड अंडर द न्यू प्रोविजन, दिस वी विल डिस्कस, एंड सिमिलर प्रोविजन आर ऑल्सो इंसर्टेड इन TCS मैटर्स विच आई विल बी ब्रीफली स्टेटिंग बिफोर यू। तो दोस्तों, अब आपके सामने रखता हूं व्हाट इज द की प्रोविजन, यानी 206 ए बी में ऐसी क्या व्यवस्था की गई है जो हमें ध्यान रखना है। ये सेक्शन, जैसा कि मैंने कहा, 1 जुलाई 2021 से प्रभावी हुआ। ये कहता है, नॉट डिस्टेंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, वेयर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स अंडर चैप्टर 17B, अदर देन दीज सेक्शन लाइक सैलरी को छोड़ दीजिए, PF कॉन्ट्रीब्यूशन छोड़ दीजिए, लॉटरी टिकट या इस प्रकार की विनिंग 194 LBC या 194 N कैश विड्रॉल से रिलेटेड पेमेंट को छोड़ दीजिए। इसके अलावा जहां पर भी कोई ऐसा पेमेंट हो रहा है जिस पर कि आप एज अ पेयर TDS काटने के लिए लाइबल है, या मान लीजिए मैं रिसिपिएंट हूं और मेरा TDS कटेगा इन सेक्शंस के अलावा परिस्थिति में, ऑन एनी सम और इनकम और अमाउंट पेड और पेबल और क्रेडिटेड बाय अ पर्सन हियर इन आफ्टर रेफर टू एज डिडक्टी टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, यानी आप भुगतान कर रहे हैं किसी स्पेसिफाइड पर्सन को, द टैक्स शेल बी डिडक्टेड एट द हायर ऑफ द फॉलोइंग रेट। तो टैक्स कौन सी रेट पर डिडक्ट होगा दोस्तों, एट ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, एट ट्वाइस द रेट और रेट इन फोर्स, और एट द रेट ऑफ 5%, इन तीनों में से जो भी हायर रेट होगी। अब एक रेट तो होती है दोस्तों जो इनकम टैक्स एक्ट में इटसेल्फ लिख दी जाती है टीडीएस की, एक अगर वहां नहीं लिखी जाती तो फाइनेंस एक्ट में लिख दी जाती है, या 5%, इन तीनों में से जो भी हायर रेट होगी, यानी इनकम टैक्स लॉ में लिखी रेट का डबल रेट, या अगर वहां रेट नहीं लिखी फाइनेंस एक्ट में रेट लिखी है उस रेट की डबल रेट, या 5% की रेट, इन तीनों में से जो भी हाईएस्ट रेट होगी उस रेट पर टीडीएस काटा जाएगा स्पेसिफाइड पर्सन से, यह व्यवस्था लॉ ने करी। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ये स्पेसिफाइड पर्सन है कौन जिसके ऊपर ये गाज गिरने वाली है, तो आइए उसका डिस्कशन करते हैं। तो सर, अगर मैं इस बात का उत्तर देखना चाहूं, हु इज अ स्पेसिफाइड पर्सन, इस टर्म को भी सेक्शन 206 एबी में डिफाइन किया गया। लॉ में लिखा कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन स्पेसिफाइड पर्सन मींस अ पर्सन हु हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर बोथ ऑफ द टू असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू टू प्रीवियस ईयर immediately prior to the previous year in which tax is required to be deducted। अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो इसे ऐसा बोल सकता हूं सर कि मान लीजिए A को B से TDS काटने की requirement है, ठीक है? ये TDS काटने की requirement है दोस्तों 2021-2022 में। तो A को ये देखना है कि B ने क्या वित्त वर्ष 2020-21 में और वित्त वर्ष 2019-20 में अपनी ITR भरी थी या नहीं भरी थी, और अगर बी ने इन 2 सालों में आईटीआर नहीं भरी
तो ए जो कि पेयर है जिसको कि बी को टीडीएस काट के भुगतान करना है, अब ए सर सेक्शन 206 AB की वजह से जो अभी तीन रेटें बोली मैंने आपके सामने, उन तीनों में से जो भी हाईएस्ट रेट होगी उस रेट पर टीडीएस काटने के लिए लायबल होगा। मैं अभी एक उदाहरण से भी इस बात को आपके सामने आगे रखता हूं, तो एक बार दोबारा पढ़ता हूं दोस्तों। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न ऑफ इनकम फॉर बोथ ऑफ द टू असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू टू प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, फॉर विच द टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 इज एक्सपायर्ड। इन पिछले 2 सालों की 139(1) में जो रेगुलर ड्यू डेट होती है वो एक्सपायर हो गई और उस व्यक्ति ने रिटर्न भरी नहीं, उसने यानी किसने, पेई ने, एंड द एग्रीगेट ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड कलेक्टेड एट सोर्स इन हिज केस इज ₹50,000 और मोर इन ईच ऑफ दीज टू प्रीवियस ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है दोस्तों कि स्पेसिफाइड पर्सन बी हमारे केस में होगा, लेकिन कब होगा, जब पिछले दोनों वित्त वर्ष 2019-20 और 20-21 में उस व्यक्ति का, बी का टोटल टीडीएस और टीसीएस का अमाउंट मिला करके ₹50,000 या उससे ज्यादा है। तो अब इसे और सरल शब्दों में बोलूं तो ये कह सकता हूं मिस्टर ए जो मिस्टर बी को भुगतान कर रहे हैं वित्त वर्ष 2021-22 में, उन्हें यह देखना है कि मिस्टर बी ने पिछले 2 वर्षों में रिटर्न भरी या नहीं भरी। अगर मिस्टर बी ने पिछले दोनों वर्षों में रिटर्न नहीं भरी और पिछले दोनों वर्षों में उनका टोटल टीडीएस टीसीएस ₹50,000 से ज्यादा का है, तो अब मिस्टर ए 206 AB में मिस्टर बी से जो इनकम टैक्स एक्ट की स्पेसिफाइड रेट है, फाइनेंस एक्ट की स्पेसिफाइड रेट है, इनकी दुगनी रेट या 5% की रेट, इन तीनों में से जो भी हाईएस्ट रेट होगी उस रेट पर दोस्तों टीडीएस काटने के लिए लाइबल होंगे। अब आपके दिमाग में प्रश्न नेचुरली ये होना चाहिए कि भाटिया जी अन्याय क्यों। इसका हल ये है सर कि भारत सरकार ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑटोमेटिकली सुओ मोटो रिटर्न भरे, और अगर वो अपनी रिटर्न नहीं भर रहे तो उन्हें किसी प्रकार से रिटर्न भरने के लिए प्रेरित किया जा सके, साम दाम दंड भेद। तो ये एक तरीके का दंड का सिस्टम है सर। हालांकि क्रेडिट सामने वाले को मिल जाएगी, लेकिन जब उसे लगेगा कि अरे मेरे से डबल रेट पे टीडीएस काटना है, कट रहा है, तो व्हाई नॉट आई शुड फाइल रिटर्न इन टाइम। तो इस तरीके से सर ये एक प्रकार से ऐसे लोगों को जो रिटर्न भरने के लिए सतर्क नहीं है उन्हें रिटर्न भरने के लिए प्रेरित करने का सेक्शन माना जाएगा। दोस्तों मैं अपनी बात को अब आपके सामने एक उदाहरण के रूप में रखता हूं कि मान लीजिए ए लिमिटेड एक कंपनी है, वो मिस्टर बी को 7.5 लाख रुपए का ब्याज का भुगतान कर रही है और 10% की रेट से टीडीएस काटने के लिए जनरली लाइबल है। मिस्टर बी को पिछले 2 साल में भी ए लिमिटेड ने ही 6-6 लाख रुपए का ब्याज का भुगतान किया, लेट्स अज्यूम 10% की रेट से 60-60 हजार टीडीएस काटा। अब मिस्टर बी से इस साल टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट किस प्रकार से कंप्लायंस करना है 206 AB के मद्देनजर, इसको एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन फॉर्मेट में आपके सामने रखता हूं कि मान लीजिए पहला केस है मिस्टर बी ने पिछले दोनों साल में रिटर्न भरी है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ए लिमिटेड 194A में 10% टीडीएस काटेगी। किसी एक साल में रिटर्न नहीं भरी और किसी एक साल में रिटर्न भर दी, अगर ये कॉम्बिनेशन है केस नंबर 2, केस नंबर 3 कोई दिक्कत नहीं है सर, 194A में 10% रेट पे टीडीएस काटना है। मान लीजिए सर पिछले दोनों सालों में ही रिटर्न नहीं हुई, ऐसी परिस्थिति में दोस्तों अब 206 AB ट्रिगर हो जाएगा ए लिमिटेड पर और उन्हें 20% की रेट पे टीडीएस काटना है। तो ठीक है सर, ए लिमिटेड को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 10 काट रहे थे, टीडीएस 20 काट लेंगे। रोने वाला कौन है यहां पर, मिस्टर बी, क्योंकि उनकी टीडीएस की रेट क्या हो गई, डबल। क्यों हो गई, क्योंकि उन्होंने पिछले दोनों साल की रिटर्न नहीं भरी। और अगर मान लीजिए पिछले दोनों साल में मिस्टर बी ने बिलेटेड रिटर्न भरी है किसी एक साल में या दोनों साल में, तो मैं नहीं मानता सर कि उस परिस्थिति में लायबिलिटी ए लिमिटेड की 206 AB में डबल रेट की आने वाली है। क्यों, क्योंकि ये सेक्शन 206 AB तभी लागू होगा सर जब पिछले 2 साल में इस व्यक्ति ने यानी पेई ने रिटर्न ही नहीं भरी, और अगर रिटर्न नहीं भरी तो ऐसी परिस्थिति में सेक्शन 206 AB का ट्रिगर उस व्यक्ति के ऊपर लागू हो जाएगा। एक और बात दोस्तों आपके सामने रखता हूं, व्हाट काइंड ऑफ पेमेंट्स आर देयरफॉर कवर्ड अंडर सेक्शन 206 AB। ऐसे कौन कौन से भुगतान है सर जिन पर 206 AB लागू हो सकता है, जैसे अभी इंटरेस्ट का एग्जांपल दिया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी या इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी।
दोस्तों वर्क कॉन्ट्रैक्ट के भी पेमेंट में 1% 2% की रेट लगती है, तो आप डबल करेंगे तो 2 या 4 की रेट आएगी, जबकि 206 एबी में एक 5% की रेट भी है तो फिर हाईएस्ट रेट 5% लग जाएगी। जैसे अगर ए ने बी को जो कि कॉन्ट्रैक्टर है उसको भुगतान किया, और बी जो कि कॉन्ट्रैक्टर है उसका पिछले दोनों साल में टीडीएस 50,000 या उससे ज्यादा का कटा है, या टीसीएस 50,000 या ज्यादा का कंबाइंड में टीडीएस टीसीएस कटा है, और बी ने रिटर्न नहीं भरी, तो अब ए को फिर सर 5% की रेट पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट का टीडीएस काटना। इसी प्रकार दोस्तों कमीशन ब्रोकरेज में भी 5% की रेट दे रखी है, अगर जिसको भुगतान कर रहे हैं उसने पिछले दोनों साल में रिटर्न नहीं भरी तो अब आप 10% की रेट से टीडीएस काटिए। लाइफ इंश्योरेंस मेच्योरिटीज पर भी टीडीएस की रेट आपकी डबल हो जाएगी, जनरली 5% की रेट वहां एप्लीकेबल है तो 10% की रेट एप्लीकेबल हो जाएगी। रियल एस्टेट परचेज पर सर 194IA में आप 50 लाख या ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सामने वाले का टीडीएस काटना है, तो आपकी लायबिलिटी आप चेक करिए कि सामने वाले ने अपनी रिटर्न भरी, यदि उसने दोनों साल में रिटर्न नहीं भरी तो आप 1% की डबल यानी 2% या 5% विच एवर इज हायर 5% की रेट पर टीडीएस काटने के लिए लाइबल है। फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज टेक्निकल सर्विसेज में दोस्तों 194J में 10% की रेट है, कुछ जगह 2% की भी रेट है, वहां पर भी आपको टीडीएस की रेट डबल या 5% ले जानी पड़ेगी। रेंट एंड अदर पेमेंट 194I 2,40,000 से ज्यादा के किराए पर, अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअली किराए का भुगतान कर रहा है तो वहां पर 194IB की व्यवस्था है। 194IC में अगर कोई ज्वाइंट वेंचर के भुगतान है प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस में, वहां टीडीएस है। इसी प्रकार 194M में आप 50 लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान किसी वर्क कॉन्ट्रैक्टर को कर रहे हैं, प्रोफेशनल फीस में कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको कमीशन में कर रहे हैं तो टीडीएस काटना है। इसी प्रकार दोस्तों 194Q में अगर कोई व्यक्ति एक बायर है और वो जिस व्यक्ति से माल परचेज कर रहा है 50 लाख या उससे ज्यादा का, और पिछले साल में इस व्यक्ति का टर्नओवर बाया का 10 करोड़ से ज्यादा का है, तो आपको टीडीएस काटना है। इन सब जगह दोस्तों टीडीएस की रेट इस 206AB से भी गवर्न होगी। और पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट दोस्तों जब किया जा रहा है वहां पर भी वो सेक्शन 195 भी 206AB की जद में कवर्ड है। अब दोस्तों आपका अब तक के डिस्कशन से एक क्वेश्चन मेरे पर बड़ा स्पष्ट आने वाला है कि भाटिया जी ये तो बताओ कि पता कैसे चले कि सामने वाले ने पिछले 2 साल की रिटर्न ही नहीं भरी। तो दोस्तों इस बात को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन नंबर 1/2021 का 22 जून 2021 को जारी किया, साथ ही दोस्तों एक सीबीडीटी सर्कुलर भी 11/2021 21 जून 2021 को, दोनों एक साथ जारी किए गए, और एक फंक्शनलिटी भारत सरकार की ओर से लाई गई है जिसका टाइटल है कंप्लायंस चेक फॉर सेक्शन 206AB एंड 206CCA। इस कंप्लायंस चेक की फैसिलिटी के थ्रू यूटिलिटी के थ्रू जो पेयर होगा जो भुगतान करता होगा वो जाएगा और चेक करेगा कि सामने वाले ने 2 साल की रिटर्न भरी या नहीं भरी, और अगर उसने 2 साल की रिटर्न नहीं भरी जो उसको यहां से रिपोर्ट हो जाएगी, तो ऐसी परिस्थिति में 206AB की लायबिलिटी इस पेयर के ऊपर अब एप्लीकेबल होगी। अब दोस्तों आपके सामने एक 206AA सेक्शन का 206AB के साथ कंपैरिजन रखता हूं, तो आप कहेंगे सर ये 206AA क्या बोला है। दोस्तों 206AA सेक्शन ये कहता है कि अगर पे यानी जिसको भुगतान किया जा रहा है उसके पास में पैन नहीं है या वो अपना पैन सबमिट नहीं कर रहा, तो आपको इनकम टैक्स की जो रेट है यानी टीडीएस की रेट इनकम टैक्स एक्ट में लिखी है, फाइनेंस एक्ट में लिखी है, वो रेट या 20% की रेट विच एवर इज हायर रेट पर टीडीएस काटना है। अब एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि किसी के पास पैन भी नहीं है और वो 206AB के अंदर भी एप्लीकेबल हो गया एज अ स्पेसिफाइड पर्सन, तो ऐसी परिस्थिति में कौन सा सेक्शन प्रिवेल करेगा। तो लॉ बोला सर इफ द प्रोविजन ऑफ 206AA इज एप्लीकेबल टू अ स्पेसिफाइड पर्सन इन एडिशन टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन द टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट हायर ऑफ द टू रेट प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन एंड 206AA। तो लॉ ने एक और खतरनाक कॉन्सिक्वेंस दे दिया कि ऐसी परिस्थिति में 206AA की रेट या 206AB की रेट, दोनों में से जो भी हायर रेट होगी उस पर आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो कहने का मतलब बार बार यही है सर, पैन लीजिए, पैन लिया है तो रिटर्न भी भरिए अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। बहुत सारे लोग दोस्तों क्या एक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि चलो साहब इस बार गलती से टीडीएस कट गया, आगे से हम टीडीएस कटे इसकी नौबत ही नहीं आने देंगे तो हम रिटर्न नहीं भरते। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं टीडीएस कटने के बावजूद रिटर्न नहीं भरूंगा, तो
तो फिर भारत सरकार की आपके प्रति नजर है, प्रोवाइडेड पिछले दोनों सालों में आपका टीडीएस टीसीएस 50,000 रुपए से ज्यादा का हो। अगर वो नहीं है तो आप बचे हुए हैं। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, इसमें गलत क्या है, आपका टीडीएस कटा है, आप रिटर्न भरिए और रिफंड क्लेम करिए। अब दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, दैट इज इन रिलेशन टू नॉन रेजिडेंट, क्योंकि नॉन रेजिडेंट जो इंडिया से बाहर रहते हैं, अगर उनका किसी वजह से टीडीएस कट गया और वो फिर भी रिटर्न नहीं भर रहे, बल्कि लॉ में ऐसी मजेदार बात भी है कि बहुत सी जगह बोला गया है कि नॉन रेजिडेंट की इनकम पर अगर टीडीएस कटा है, ठीक है, और वो ड्यूली पेड है टैक्स, ठीक है, कोई और एक्स्ट्रा इनकम पर टैक्स बनता नहीं है, तो नॉन रेजिडेंट को आईटीआर भरने की जरूरत ही नहीं, तो नॉन रेजिडेंट भी सर इस सेक्शन की जद में आ जाएंगे क्या? तो लॉ में ये कहा गया, प्रोवाइडेड दैट द स्पेसिफाइड पर्सन शैल नॉट इंक्लूड अ नॉन रेजिडेंट हु डज नॉट हैव अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। अब यहां परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को दोस्तों समझना जरूरी है। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट टर्म मेरी ओपिनियन में लागू होती है जब आपका इंडिया में कोई बिजनेस प्रोफेशन है। तो एज अ नॉन रेजिडेंट आपका मान लीजिए इंडिया में कोई मकान है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इंडिया में पीई है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। कहने का मतलब ये है, अगर एक बैंक या कोई भी व्यक्ति जो नॉन रेजिडेंट को भुगतान कर रहा है और वो यूटिलिटी से चेक करता है कि इस नॉन रेजिडेंट ने तो 2 साल में रिटर्न भरी नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में प्राइमा फेसाई उनकी लाइबिलिटी 206 AB से नहीं आएगी। पर ये कॉन्फ्लिक्ट मिटाने के लिए दोस्तों हो सकता है कि बैंकर या जो भी व्यक्ति पेयर है वो नॉन रेजिडेंट से एक डिक्लेरेशन ले कि हाँ साहब मेरा इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, और फिर ऐसी परिस्थिति में वो 206 AB में टीडीएस काटने की गलती नहीं करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट अबाउट पर्संस हु आर सबमिटिंग फॉर्म 15G 15H, कि मान लीजिए एक सीनियर सिटीजन व्यक्ति है, उनकी एज 15 ईयर्स है और उन्होंने पिछले दोनों सालों में भी बैंक को 15H सबमिट कर रखा है, ईयर 1 में भी ईयर 2 में भी, ठीक है। अब ये थर्ड ईयर है और थर्ड ईयर में फिर से क्वेश्चन आया कि वो 15H देने जा रहे हैं, तो उन्होंने तो पिछले दोनों साल में रिटर्न भरी नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या बैंक 206 AB में लाइबल है क्या? तो यहां दो चीजें समझनी है सर। पहली बात तो ये कि पिछले दोनों साल में अगर उन सज्जन का टीडीएस लाइबिलिटी 50,000 या उससे ज्यादा का नहीं रहा इंक्लूडिंग टीसीएस, तो ऐसी परिस्थिति में तो वो स्पेसिफाइड पर्सन है ही नहीं। मान लीजिए पिछले दोनों साल में वो सीनियर सिटीजन ने 15H नहीं सबमिट किया और उनका टोटल टीडीएस टीसीएस 50,000 या उससे ज्यादा था, परंतु इस साल वो सज्जन 15H दे रहे, ठीक है, इस साल वो जागृत हो गए, तो फिर क्या 206 AB में लायबिलिटी आएगी क्या? तो सर मेरा मानना है ऐसी परिस्थिति में अब बैंक 206 AB में टीडीएस काटने के लिए लायबल है और 15H को ऑनर नहीं करेगा। लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है दोस्तों, अगर मैं इसकी हाइपोथेटिकलनेस में नहीं जाऊं तो मैंने अपनी ओपिनियन दी, लेकिन मैं आपके सामने जनरली ऐसा बोलता हूं कि जो लोग 15G 15H सबमिट करते हैं वो जनरली अपनी रिटर्न के प्रति, अपनी टीडीएस लायबिलिटी के प्रति सतर्क होते हैं, तो उनसे ऐसी गलती पिछले 2 साल में हो जनरली ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में मैं कह सकता हूं कि 206 AB का ट्रिगर वहां पर लागू नहीं होना चाहिए। एक और बात क्विकली दोस्तों आपके सामने रखना चाहूंगा कि जैसे टीडीएस के प्रावधानों के संदर्भ में 206 AB आया, ऐसे ही सर एक सेक्शन 206 CCA टीसीएस के संदर्भ में भी आया। मैं आपके सामने क्विकली पढ़ता हूं, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वेयर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड एट सोर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 17BB और ऑन एनी सम और अमाउंट रिसीव बाय द पर्सन हियरिन आफ्टर रेफर टू एज कलेक्टी फ्रॉम अ स्पेसिफाइड पर्सन टैक्स शैल बी कलेक्टेड एट हायर ऑफ द टू रेट नेमली ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एट द रेट ऑफ 5%। तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति से टीसीएस कलेक्ट करने की जिम्मेदारी स्पेसिफाइड पर्सन से टीसीएस कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति की है जो चाहे सेलर हो सकता है, तो फिर अगर स्पेसिफाइड पर्सन वही सेम डेफिनेशन है जिसने पिछले 2 साल में रिटर्न नहीं भरी और जिसका टोटल टीडीएस टीसीएस का अमाउंट पिछले दोनों सालों में 50,000 या ज्यादा का था, तो जो व्यक्ति टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लाइबल है वो टीसीएस की स्पेसिफाइड रेट जो 206 सी सेक्शन में दी गई है उसकी ट्वाइस रेट या 5% की रेट पर टीसीएस कलेक्ट करने के लिए जिम्मेदार होगा। तो दोस्तों अंत में मैं माफी चाहूंगा कि मैंने आपका काफी समय लिया सेक्शन 206 एबी के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करने में, लेकिन ये पर्टिकुलर सेक्शन अपने आप में बहुत सारी क्वेरीज लेकर के खड़ा हुआ है, इसलिए इस डिस्कशन का कोई विकल्प नहीं था। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे लिखें, मैं उनका उत्तर देने की यथोचित कोशिश करूंगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।